तो मतलब मेरा प्लाट है नहीं, कहीं रहने अड्डा आपको कैसे सही लगा? पूरे चारों तरफ देखो जंगल ही जंगल है। हाँ, जंगल, जंगल में आप बैठे हुए हो। नहीं तो जंगल में बैठे हुए कैसे यकीन हुआ कि ऊपर वाला तो यहाँ रोज रह सकेगा? जैसे एक उम्मीद ये रखा कि यहाँ बहुत भट्ठे हैं। अच्छा अच्छा, ये इधर भट्ठा है, इधर भट्ठा है, इधर हरदम गाड़ी मोटर आते रहते हैं, फिर इधर गाँव भी है, अभी इधर धीरे धीरे कॉलोनी बस रही है। अच्छा अच्छा, तो मैं सोचा क्या नाम है, वही लागे देखा था कि ये अच्छा लगेगा अड्डा। तो भैया ये तो बताओ ये तुमने कैसे लगाया, मतलब टेंट कुछ है तुम्हारा साधन वादन? अभी तो साधन नहीं है सर जी, अभी अभी खाली साधन होता सर जी बैठा है, खोल देता हूँ। कितने का समोसा जाता है तुम्हारा? अब सर जी एक का 7 भी जाता है, एक का 10 भी जाता है। कल कितनी कमाई हुई आपकी? कल सर जी 250 रुपए का कुल, 250 रुपए की, 250। अब वो 10-20 रुपए का, वो 10-20 रुपए का बच्चों को क्या नाम है खाने पीने का सामान निकल गया, खर्चा बस जान लो। पूरा सेटअप आपने लगाया है, ये कैसे लगाया? पैसे वैसे सर जी? नहीं सर जी, ये पैसे तो नहीं थे, कर्जे से सब लिया हूँ। बोला इसके लिए भी तुम्हें कर्जा लेना पड़े? 500 नहीं, ये सब तो खरीदा, बर्तन वर्तन तो अपने हैं, खाली क्या नाम है ये जो ऊपर उछा जो बनाने वाला सामान है, ये कर्जा ले 500 रुपए कर्जे से मैं उठाया हूँ। मतलब 500 रुपए आपके पास नहीं थे? नहीं थे, सच में नहीं थे 500? सच में बेटा, अभी जिससे लिया हूँ मैं उसी को देने लिए, उसी क्या नाम है उसे, अभी भी 500 रुपए आपके पास नहीं है? जैसे जिसका अब लिया हूँ उसका तो देने पड़ेगा 500 रुपए। ये समय पे 50 रुपए हमारे हाथ में है। अब सर जी धीरे धीरे अभी सोच रहा हूँ उठेगा दुकान तो ठीक है, आदमी को कभी हिम्मत नहीं आनी चाहिए। अरे आप इज्जत से तो कमा रहे हो ना, ये बताओ। हाँ, किसी के सामने हाथ तो नहीं फैला रहे? नहीं सर जी। अभी कितना खर्चा आएगा इस दुकान को अगर आप बढ़ाओगे थोड़ा सा, तो कितना खर्चा होगा? अगर इस दुकान को अगर खर्चा बढ़ाना चाहे तो कम से कम नहीं 5-6 हजार का खर्चा लग जाएगा बैठाने में, क्योंकि ऊपर से छाजन दुकान में एक तख्ता डालो बीच पब्लिक बैठने के लिए। अब हमें तुम जल्दी से समोसे खिला के दिखाओ। तो भैया कितना पैसा हुआ तुम्हारा, भी ये बता दो हमें आप, मतलब सारे मिला के 100 रुपए, 100 रुपए से कम नहीं होगा तुम्हारा, ठीक है ना? लाख हो गया। तो ये चंद्र प्रकाश जी हैं और ये फूल कुमारी जी हैं, तो इन्होंने अपना छोटा सा सेटअप लगाया हुआ है। सिर्फ सबसे अच्छी बात इनकी ये है कि किसी के सामने हाथ नहीं फैला रहे, अपनी मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं, चाहे किसी भी तरीके से पाल रहे हैं। तो ऐसे लोगों की सपोर्ट करनी चाहिए, ऐसे लोगों को हिम्मत देनी चाहिए। अब हमने लिए समोसे इनसे, ये समोसे रखो भैया, और आपके हो गए कितने? 100 रुपया। पर मेरे पास तो खुले नहीं भैया, अब खुले आपको लाने पड़ेंगे। कहाँ दौड़ने जाऊंगा बेटा, देखे हो दुकान पे कहाँ खुले उल्ले कहाँ रखोगे? कहीं नहीं मिलेंगे, खुले नहीं मिलेंगे, 2000 के काम है। तो तुम्हारे पास घर में तो रखे होंगे ना कुछ पैसे? 50 रुपया बस, खाली 50 रुपए रखे हुए हैं। लाओ ये 2000 रुपए आपके काम के लिए, ठीक है? खुश हो? कुछ काम वाम हो जाएगा 2000 में? बढ़ाओगे? ठीक है सर, बढ़ाएंगे, कल आज बढ़ जाएगा। हमने आपसे 5 समोसे लिए है ना, ये लीजिए, हमने आपसे 1000 रुपए का एक समोसा खरीदा है, ठीक है? ये 5000 रुपए आपकी मेहनत के लिए, ठीक है ना? आप इन पैसे से अपना काम बढ़ाना, ठीक है ना? और मेहनत से काम करना, ठीक है? खुश हो? हैं? खुश हो ना? आप बोल रहे थे कि मुझे 5000 रुपए चाहिए अपनी दुकान बढ़ाने के लिए, हमने आपका एक समोसा 1000 रुपए में खरीदा है। कोई खरीदा है? नहीं खरीदा ना? खुश हो? चले खुश रहिए, हमेशा खुश रहिए, है जी? मैं अपनी मजदूरी से इनको 500 रुपए दिए, तब जाके बेचारे उन्होंने काम दिया। अच्छा, 500 रुपए आपने दिए थे उधार? अच्छा अच्छा, मैंने कहा भैया अपना काम शुरू कर लो, जब तू 5 आदमी है क्या? हाँ। चार बच्चे। अच्छा, 500 रुपए हमारी तरफ से। आप क्या काम करते हो? मैं तो सब्जी बेचता जी। ये 500 रुपए तो आपके उधार वाले, और ये 500 रुपए हमारी तरफ से आपके लिए। बड़ी मेहरबानी बाबू, ठीक है ना? हम भी कल को सब्जी, आपने अच्छे से काम किया, 500 रुपए हमारी तरफ से, ठीक है? देखो अच्छा करते हो तो अच्छा होता है, 500 के 1000 मिल गए, तुम्हारे 500 तुम्हें मिल गए, अब 1000 और ये 2000 रुपए, ठीक है? सब्जी ले आऊंगा, सब्जी लाना आप, ठीक है जी? खुश हो? ठीक ठीक सर, खुश हो ना? हाँ बहुत खुश है सर जी। मेरा नाम मुशाहिद खान है, ठीक है जी? ठीक ठीक सर। कोई पूछे बता दीजिए, खान साहब आए थे, पत्रकार मुशाहिद खान आए थे, ठीक है? चले अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है जी? धन्यवाद।